हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए 6 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक लेके आया हूँ, जो आने वाले वीक में अगर वो लेवल क्रॉस करते हैं तो उसमें अच्छी रैली दिखा सकते हैं। तो उससे पहले गाइस, अगर आपने ये वीडियो देखा नहीं तो सैटरडे को अपने डाकॉस वीडियो डालते हैं। अभी मार्केट बहुत गिरा हुआ है, तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, 1 से 3 महीने भी अगर ले सकते हो, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बहुत हाई चांस है। तो अगर आप 1 से 3 महीने या 3 से 12 महीने पोजिशन बनाने का सोच रहे हो, तो आप ये वीडियो देख सकते हो, बहुत आपको हेल्पफुल होगा। इसमें मैंने 3 अच्छे स्टॉक बताए, वीकली चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास ही स्टॉक है, तो बहुत यहाँ से रिवर्स होने के बहुत हाई चांस है। ऐसे अच्छे अच्छे मोमेंटम स्टॉक बताएं, तो आप अगर सोच रहे हो आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक ऐड करना, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। बहुत अच्छा मोमेंटम स्टॉक मैंने 3 सजेस्ट किए। उसके अलावा जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो गाइस। उससे फायदा है क्या होगा कि आपको हर तरह के ट्रेड मिलते रहेंगे। हर मतलब एवरी डे शाम को मैं इंट्राडे का वीडियो डालता हूँ, ब्रेकआउट स्टॉक अगले दिन के लिए, और उसमें कोई ना कोई एक पोर्टफोलियो स्टॉक भी होता है जिसमें आप 1 से 3 महीने पोजिशन बना के रख सकते हो। अगर आपको इंट्राडे करना नहीं है स्विंग ट्रेडिंग में, तो आप 1 से 3 महीने के लिए भी मैं पोर्टफोलियो स्टॉक भी बताता हूँ, तो वो भी आपको कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अलग अलग ये चैनल पे अलग अलग स्ट्रेटेजी मिलेगी, वो भी बहुत अच्छे से काम करती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको बेनिफिट ही होगा। तो अभी गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको 6 स्टॉक बताऊंगा। उसमें से 5 स्टॉक रहेंगे अपने स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक रहेंगे, यानी कि 1 से 10 दिन आप पोजिशन बना के रख सकते हो। अगले वीक अगर अच्छी रैली वो लेवल क्रॉस करते तो अच्छी रैली आएगी उसमें। और एक अपना स्टॉक रहेगा जो पोर्टफोलियो स्टॉक रहेगा। तो आपको पता ही होगा, अपने पोर्टफोलियो स्टॉक में 3 स्टॉक मैंने अपने पोजीशन ओपन थी। जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता ही होगा, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। उसमें अपने एक में स्टॉप लॉस हो गया था, तो वो कहाँ पे हुआ था और कौन से स्टॉक में अपना स्टॉप लॉस हो गया वो भी मैं बताऊंगा। और उसके बाद अपने एक पोर्टफोलियो स्टॉक ऐड करेंगे अगर वो लेवल क्रॉस करता है तो। जिसके पास टाइम नहीं है, वो 1 से 3 महीने पोर्टफोलियो स्टॉक में पोजीशन बना के रख सकते हैं। उसमें रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा है, 2000 का लॉस आएगा और 10,000 का प्रॉफिट आएगा, वो अपना फिक्स रहेगा। तो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको 5 पहले स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक बता देता हूँ। उसमें पहले स्टॉक का नाम रहेगा BLS। BLS को आपको बाय करना है, कंडीशनल बाइंग रहेगी। गाइज, आपने देखा होगा मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है, तो कंडीशनल बाइंग है, क्योंकि अगर CMP पे आप बाय करोगे तो क्या होगा, दूसरे दिन गैप अप या गैप डाउन हो जाता है। इसलिए अपने कंडीशनल बाइंग करेंगे कि अगर वो लेवल क्रॉस होता है तभी अपने बाय करेंगे। उससे क्या होगा कि अपने को कंफर्मेशन मिल जाएगा कि स्टॉक ने बेस बना लिया है। तो पहला स्टॉक का नाम रहेगा BLS। BLS को आपको बाय करना है। आप देख सकते हो स्टॉक का नाम है BLS, आपको बाय करना है। बाय करने का रीजन मैं आपको बता देता हूँ, तो आप देखोगे ध्यान से गाइज। तो स्टॉक क्या कर रहा है, आप देखोगे स्टॉक यहाँ से क्या कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। और स्टॉक ने यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट देके ऊपर गया, लेकिन वो कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यानी कि उसका जो ब्रेकआउट एरिया था पहले उसका रिजेक्शन एरिया था, उसके बाद ये ब्रेकआउट एरिया ये बना, उसके बाद वो यहाँ पे आया, यानी कि स्टॉक क्या किया, रिटेस्ट करने नीचे। आपने सुना ही होगा कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट देता है, फिर वो रिटेस्ट करने नीचे आता है, फिर वहां से वो मतलब बेस बना के फिर से ऊपर चला जाता है। तो पहला रीजन हो गया कि स्टॉक ने बेस बना लिया है। दूसरा रीजन आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है। तो स्टॉक क्या कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का उसको सपोर्ट मिल रहा है। तो आपने मान सकते हैं कि स्टॉक को यहाँ पे उसना पहले जो सप्लाई जोन हुआ करता था वो डिमांड जोन भी बन सकता है, और स्टॉक यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट ले सकता है। ये अपना दूसरा रीजन हो गया। और तीसरा और मेन रीजन आप देखोगे तो ADX की वैल्यू, जो लोग पहली बार देख रहे हो तो आप ध्यान से देख सकते हो गाइस कि ADX की वैल्यू जब भी 25 के ऊपर होती है और विलियम्स आर की वैल्यू -80 आती है, तो वो स्टॉक का लास्ट स्विंग होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए प्रीवियस में आप देखोगे तो ADX की वैल्यू देखो 25 के ऊपर थी और उसने स्टॉक ने देखो -80 यहाँ पे आया था, तो स्टॉक ने क्या किया, लास्ट स्विंग लिया फिर ऊपर चला गया। फिर से यहाँ पे स्टॉक ने देखो -80 यहाँ पे विलियम्स आर की वैल्यू, ADX की वैल्यू तो देखो कंटिन्यूस यहाँ से 25 के ऊपर ही जा रहे हैं, यानी कि जहां जहां -80 आता है वो स्टॉक का लास्ट स्विंग होता है, फिर स्टॉक ऊपर चला जाता है। सेम सेटअप यहाँ पे आए, देखो यहाँ पे -80 आया था लेकिन यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट नहीं था और स्टॉक यहाँ से यहाँ पे आया, तो अपने मान सकते हैं कि यहाँ पे उसको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल सकता है और उसकी विलियम्स आर की वैल्यू देखो -80 आया हुआ है।
तो स्टॉक ऐसे क्या कर सकते हैं, आप सोच सकते हो कि ऐसे रिवर्स मार सकते हैं, तो आपको तुरंत बाय करना है, तुरंत बाय नहीं करना, क्योंकि मे बी फॉल्स ट्रेडिंग हो जाए और अपना स्टॉप लॉस हो जाए, तो आपको सीएमपी पे बाय नहीं करना। ऐसा जरूरी नहीं कि ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आए तो वो यहाँ से रिवर्स ही मारेगा, यहाँ से नीचे भी गिर सकता है, इसलिए आपको सीएमपी पे तुरंत बाय नहीं करना। अपने को देखो ये जो फ्राइडे का हाई है कैंडल का, वो लेवल अगर क्रॉस करके ऊपर स्टॉक ट्रेडिंग करना चालू करता है तो स्टॉक में अच्छी रैली आ सकती है, तो अपने को पता चल जाएगा कि स्टॉक ने बेस बना लिया है। अभी कंफर्मेशन के लिए अपने क्या करेंगे, वेट करेंगे ये जो हाई है उसका, वो ब्रेक करके ऊपर ट्रेडिंग करना चालू करेगा तभी अपने बाय करेंगे। तो बीएलएस को आपको सीएमपी पे तुरंत बाय नहीं करना, सीएमपी देखोगे तो 346.85 है, तो बाय अबो 359, 359 यानी कि उसका जो हाई था फ्राइडे का उसके ऊपर क्रॉस करेगा तभी हाई करें बाय करेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे 341 का। तो आपको देख सकते हो अभी कितना है सीएमपी, 346.85 है, 341 का स्टॉप लॉस आएगा, लेकिन कॉल एक्टिव होने के लिए पहले ये लेवल आना चाहिए। अगर 341 पहले ट्रेड करता है, समझो यहाँ से स्टॉक मंडे या ट्यूसडे ये लेवल के नीचे ट्रेड करना चालू करता है 341 के, तो वो अपना इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। वैलिड सेटअप के लिए पहले 359 का लेवल पहले आना चाहिए, तभी अपने इसको स्टॉप लॉस मानेंगे। अगर 359 क्रॉस करेगा तो टारगेट है 375 और 390 का टारगेट आ सकता है, उसके लिए आपको 1 से 10 दिन का वेट करना पड़ सकता है। तो गाइज ये जो भी मैं बता रहा हूँ वो बहुत मोमेंटम स्टॉक होते हैं, अगर लेवल क्रॉस करते हैं तो आराम से अच्छी रैली दिखा सकते हैं, लेकिन आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। आप देखोगे तो फ्राइडे को मैंने, फ्राइडे का वीडियो में मैंने 5 स्टॉक रेकमेंड किए थे, उसमें से 4 कॉल थे अपने जो बाइंग लेवल के ऊपर गए नहीं थे। अपना एक बीएलएस था फ्राइडे को, उसमें अपना यहाँ पे मैंने बोला था कि आपको सीएमपी पे बाय करना है और इसमें अपना ये स्टॉप लॉस लेवल था, वो एक ट्रिगर हो गया था फ्राइडे के। तो ऐसे बहुत कंडीशनल ट्रेडिंग से आप क्या होगा कि आप ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हो और फालतू के जो आपके फॉल्स ट्रेडिंग होता है यानी कि स्टॉप लॉस हो जाता है वो आपको बच सकते हो, क्योंकि अपने उससे क्या होगा आपके जो ट्रेड होंगे वो फिल्टर हो जाएंगे, अच्छे ट्रेड होंगे उसमें ही आप एंट्री कर पाओगे, अदरवाइज आप एंट्री नहीं कर पाओगे। तो अगर ये स्टॉक अच्छा होगा उसको यहाँ पे जाना है तो ऐसा नहीं कि सीधा गैप अप खुल जाएगा, वही लेवल क्रॉस करके ही जाएगा, तो आपको यहाँ पे बाय कर ही लेना है और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है। अगर दूसरे 4 स्टॉक है वो अगर वो लेवल बताए वो क्रॉस नहीं करेंगे तो नीचे चलेंगे, तो आपके हाथ में अच्छा ही स्टॉक आएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ट्रेडिंग करना है लेकिन डिसिप्लिन के साथ, और जो लेवल बताए उसको आपको फॉलो करना रहेगा। अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊंगा जिसके नाम है जेकेआईएल। जेकेआईएल को भी आपको बाय करना है, बाय करने का रीजन उसमें भी कंडीशनल बाइंग रहेगी। स्टॉक क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, रिजेक्शन मार रहा है, फिर से ऊपर गया है, रिजेक्शन मार रहा है, फिर से ऊपर गया है, यहाँ पे रिजेक्शन मार रहा है, फाइनली ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे आया। कहाँ पे आया, उसका पहले जो सप्लाई जोन हुआ करता था स्टॉक का वो यहाँ पे डिमांड जोन बन सकता है, क्योंकि ऑलवेज ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट करने नीचे आता है स्टॉक, तो कंफर्म हो जाता है कि वहां पे वो उसका बेस बन सकता है यानी कि डिमांड बन सकता है। पहला रीजन हो गया स्टॉक का। दूसरा रीजन आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉक क्या कर रहा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, यहाँ पे मल्टीपल टाइम ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और अभी एग्जैक्ट यहाँ पे सपोर्ट के आसपास आया। तो ये दूसरा रीजन हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाए। और तीसरा और मेन रीजन आप देखोगे, जब भी एडीएक्स की वैल्यू 25 के ऊपर होती है, विलियम सर की वैल्यू -80 होती है। देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू -73 दिखा रही है, लेकिन जब ये रेड कैंडल के एकदम नीचे के साइड होगा स्टॉक तो इसकी वैल्यू भी -80 आया ही होगा। अभी स्टॉक थोड़ा ऊपर चढ़ गया है, देखो लो कितना था उसको, करीब लो से वो स्टॉक ऊपर चढ़ गया है 200, आप देखोगे तो लो करीब उसका 225 के करीब था और अभी स्टॉक है 227-28 के आसपास है। इसीलिए अगर जब भी ये 225 आया होगा तो उसका -80 होगा, फिर स्टॉक के यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो आप ये स्टॉक को बाय कर सकते हो, कंडीशनल बाइंग करनी है, ये जो रेड कैंडल है उसके ऊपर जाएगा तभी अपने बाय करेंगे, अदरवाइज अपने बाय नहीं करेंगे। अगर स्टॉक अच्छा होगा तो उसको ये लेवल क्रॉस करके ऊपर जाना ही होगा, तो आपको तुरंत बाय नहीं करना स्टॉक को। सीएमपी 227 का है तो बाय है वो 235, 235 के ऊपर क्रॉस करेगा तभी अपने बाय करेंगे, कंडीशनल बाइंग रहेगा। और 225 का आपने क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट रहेगा 250 और 265 का टारगेट रहेगा। अगर 235 क्रॉस करेगा तभी, तो आप देख सकते हो सीएमपी 227 है और स्टॉप लॉस है 225, यानी कि स्टॉक को नीचे इनवैलिड सेटअप होने का बहुत हाई चांस है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर 225 के नीचे ट्रेड करता है पहले तो इनवैलिड सेटअप हो जाएगा, ये ध्यान में लेके चल सकते हो। अगर 235 क्रॉस करता है तो स्टॉक अच्छी रैली दिखा सकता है और 250 और 265 भी जा सकता है, उसके लिए आपको 1 से 10 दिन का वेट करना पड़ सकता है।
तो गाइज ये अपना दूसरा स्टॉक हो गया JKIL। अभी मैं आपको तीसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है MOL। तीसरे स्टॉक का नाम रहेगा MOL। MOL को भी आपको कंडीशनल बाइंग करना है, उसके पीछे का भी रीजन मैं बता देता हूँ आपको। तो आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉक क्या कर रहा है, ध्यान से देखोगे तो स्टॉक क्या कर रहा है, कोई एरिया से रिजेक्शन मार के नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, देखो नीचे आया, फिर से नीचे यहाँ पे सपोर्ट लिया और फाइनली ब्रेकआउट देके ऊपर गया। उसके बाद कहाँ पे उसने पॉज लिया आप देखोगे ध्यान से, तो उसका जो पहले सप्लाई जोन हुआ करता था एग्जैक्ट वहीं पे उसने पॉज लिया, और साथ साथ उसको ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है। देखो यहाँ पे सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का यहाँ पे भी सपोर्ट है और यहाँ पे भी सपोर्ट है। तो आपने मान सकते हैं कि स्टॉक ने क्या किया है, उसका सप्लाई जोन था उसको ब्रेकआउट देके ऊपर गया, उसके बाद रिटेस्ट करने यहाँ पे आया और साथ साथ उसको ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो गाइज आप देखोगे तो मेरा सेटअप सिंपल होता है और आपको मतलब स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, लेंदी नहीं होता, और सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ और आपको लॉजिक के साथ समझाता हूँ कि स्टॉक यहाँ पे क्यों सपोर्ट ले सकता है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट करके कुछ भी अगर क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। तो गाइज यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट ले सकता है, उसके पीछे का रीजन आपको समझा दिया, और मेन रीजन देखो ADX की वैल्यू 25 के ऊपर है, स्टॉक ने क्या किया है यहाँ पे -80 आया हुआ है। तो आपने मान सकते हैं कि जब भी आपको बताया कि उसके ADX की वैल्यू 25 के ऊपर होती है, विलियम सर की वैल्यू -80 होते हैं, वो स्टॉक का क्या होता है, लास्ट स्विंग होता है और स्टॉक वहां से रिवर्स जाने के बहुत हाई चांस होते हैं। तो आपको ये स्टॉक को कंडीशनल बाइंग है, CMP पे तुरंत बाय नहीं करना। अगर ये रेड कैंडल जो सपोर्ट कैंडल है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है, वो कैंडल का हाई ब्रेक करता है, तभी अपने को कंफर्मेशन मिलेगा कि स्टॉक ने बेस बनाया और स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। आपको तुरंत बाय नहीं करना, क्योंकि मे भी स्टॉक ट्रेंड लाइन ब्रेक करके, डिमांड जोन ब्रेक करके नीचे भी आ सकता है, इसलिए आपको फॉल्स ट्रेडिंग नहीं करनी, ट्रेडिंग करनी है, एक्यूरेट ट्रेडिंग करनी है। अगर बेस बनाएगा तभी बाय करेंगे, भले स्टॉक थोड़ा महंगा मिले लेकिन कंफर्मेशन चाहिए कि यहाँ पे स्टॉक ने बेस बना दिया है। तो स्टॉक का नाम है MOL। CMP 129.8, आपको बाय अबो 134 के ऊपर बाय करना है, स्टॉप लॉस लेवल 129 का। तो आप देख सकते हो सिर्फ 80 पैसे का गैप है CMP और स्टॉप लॉस लेवल पे। तो यानी कि स्टॉक यहाँ से समझो कि 129 के नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो अपना क्या हो जाएगा, इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। वैलिड सेटअप के लिए स्टॉक को क्या करना पड़ेगा, 134 का लेवल पहले ब्रेक करना पड़ेगा, तब 129 अपने स्टॉप लॉस लगाएंगे। यानी कि स्टॉक को यहाँ से 129.8 है तो मंडे को इसको स्टॉक को ये लेवल के ऊपर ही ट्रेड करना पड़ेगा और 134 का लेवल पहले क्रॉस करना पड़ेगा। अगर 129 का लेवल पहले क्रॉस करता है तो अपना इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। अगर 134 का लेवल क्रॉस करता है तो टारगेट 145 और 155 का टारगेट लगा सकते हो, टाइम पीरियड रहेगा 1 से 10 दिन का। तो ये अपना तीसरा स्टॉक हो गया MOL। अभी मैं चौथा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है शांति गियर। शांति गियर में भी सेम सेटअप रहेगा, आप ध्यान से देख सकते हो, इसको भी आपको बाय करना है, लेकिन बाय करने का रीजन मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें भी स्टॉक क्या कर रहा है, कोई एरिया पे रिजेक्शन ले रहा है, देखो यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया, उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, उसके बाद रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर गया, अभी फिर से रिटेस्ट करने यहाँ पे आए। तो आपने मान सकते हैं कि स्टॉक ने यहाँ पे उसका पहले जो सप्लाई जोन था उसको डिमांड जोन बना लिया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले सपोर्ट ले चुका है, तो स्टॉक यहाँ पे फिर से सपोर्ट ले सकता है। तो पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन आप देखोगे तो स्टॉक क्या कर रहा है, ADX की वैल्यू देखो अभी भी 25 के ऊपर है और इसकी वैल्यू देखो -80 आई हुई है। तो यहाँ से स्टॉक नीचे से ऊपर जाने के बहुत हाई चांस है, तो अपने को तुरंत बाय नहीं करना CMP पे। देखो प्रीवियस में भी देखो इसकी वैल्यू -80 आई थी, तो स्टॉक ने क्या किया, ये लास्ट स्विंग बनाया, फिर से यहाँ पे थोड़ा -80 आया, फिर से तो यहाँ से लास्ट स्विंग लेके फिर से स्टॉक ऊपर चला गया। तो अपने को कंफर्मेशन चाहिए कि स्टॉक बेस बना के ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर ये लेवल जो उसका डिमांड जोन है वहाँ से ऊपर जाता है स्टॉक, ये लेवल क्रॉस करके, तो अपने को मानेंगे कि स्टॉक ने इसको क्या बना लिया है, बेस बना लिया और स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो आपको कब बाय करना है, CMP पे स्टॉक को बाय नहीं करना। स्टॉक का नाम है शांति गियर, CMP है 221.45 है, बाय है वो 225। यानी कि जो डिमांड जोन में कैंडल आई है उसके ऊपर ट्रेड करना चालू करता है तब आपको बाय करना है, और उसका जो लास्ट यहाँ पे सपोर्ट लिया था स्टॉक ने वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। यानी कि 225 के ऊपर ही बाय करना है और 215 का स्टॉप लॉस लगाना है। अभी CMP कितना है, 221.45 है। अगर स्टॉक 200 ये लेवल क्रॉस नहीं करता और इसके नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो आपका इनवैलिड सेटअप हो जाएगा, तो आपको फिर वो वीक के लिए स्टॉक को देखने की जरूरत नहीं है।
टारगेट रहेगा 240 और 250 का टारगेट रहेगा। अगर 225 का लेवल क्रॉस करता है तो कंडीशनल बाइंग रहेगी, टाइम पीरियड रहेगा 1 से 10 दिन का। तो ये अपना चौथा स्टॉक होगा शांति गियर। अभी पांचवा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम रहेगा TNPL। TNPL को भी आपको कंडीशनल बाइंग करनी है, अभी CMP पे तुरंत बाय नहीं करना। आप देखोगे अगर 2 वीक पहले मैंने TNPL 195 एंड 196 पे करीब यहाँ पे रेकमेंड किया था, वो भी अपना स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक था, उसमें अपने मैंने बोला था 240 का टारगेट आ सकता है, लेकिन आप देखोगे तो उसमें 225-26 का तो टारगेट आया था, अपना पहला टारगेट 220 का था और दूसरा टारगेट 240 का था। अगर दो तीन पहले संडे का आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे करीब CMP पे ही बोला था, उसके बाद मार्केट गिरा भी था, दूसरे दिन मंडे को मार्केट 300-400 पॉइंट गिरा था तो भी ये स्टॉक ऊपर ही गया था, और अभी भी इसमें मैं बोलता हूँ कि 240-245 का टारगेट तो आराम से आ सकता है इसमें। तो आपको CMP पे अभी ये स्टॉक को बाय नहीं करना क्योंकि अभी फिर से अलग सेटअप बना हुआ है। तो आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉक क्या कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे भी सपोर्ट पे आया है, तो आपने मान सकते हैं कि स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। उसके बाद स्टॉक क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, रिजेक्शन मार रहा है, फिर से ऊपर गया है, नीचे आ गया था, फिर से ऊपर चला गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, यहाँ पे सभी सपोर्ट के आसपास है। यानी अपने मान सकते हैं कि स्टॉक का पहले जो सप्लाई जोन था वो अभी क्या हो गया है, उसका डिमांड जोन हो गया। पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट लिया, तो अपने मान सकते हैं कि स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट बना लिया है और स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। और तीसरा रीजन आप देखोगे तो ऊपर से मैंने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, यानी कि ट्रायंगल ब्रेकआउट भी पॉसिबल है। ऊपर से स्टॉक क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर से यहाँ पे ऊपर गया है, अभी यहाँ पे आया। तो अपने मान सकते हैं कि अगर ये ट्रेंड लाइन ऊपर से जो आ रही है रिजेक्शन एरिया, अगर वो ब्रेक करके स्टॉक ऊपर ट्रेड करना चालू करता है तो अच्छी रैली दिखा सकता है और ब्रेकआउट भी पॉसिबल है। तो ये पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन आप देखोगे तो उसको ऑलरेडी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल ही रहा है, अगर स्टॉक यहाँ से नीचे गिरता है तो भी क्या कर सकते हैं, आपको अभी तो तुरंत CMP पे बाय नहीं करना, कंडीशनल बाइंग रहेगी, उसको ये लेवल क्रॉस करेगा तभी बाय करेंगे, अगर इससे नीचे आ जाता है तो वो अपना इन्वेल्ट सेटअप हो जाएगा। तो स्टॉक का नाम है TNPL। TNPL आपको 211.2 चल रहा है, CMP अभी CMP पे बाय नहीं करना, 216 का अगर ये लेवल क्रॉस करेगा तभी आपको बाय करना है और 205 का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर 205 पहले आ जाता है, 216 की जगह 205 आ जाता है मंडे को, तो आपका इनवैलिड सेटअप हो जाएगा, कंडीशनल बाइंग है। 230 और 240 का टारगेट आ सकता है, टाइम पीरियड रहेगा 1 से 10 दिन का रहेगा। तो ये अपना पांचवा स्टॉक हो गया जिसका नाम है TNPL। तो गाइज आपने देखा होगा कि बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारे स्टॉक अभी तो मिल ही नहीं रहे। आपने देखा होगा कि फ्राइडे को मार्केट बहुत नीचे गिरा था तो बहुत सारे स्टॉक 4%, 5% और बहुत सारे स्टॉक तो 8-10% भी नीचे गिरे थे। यानी कि बहुत सारे सब स्टॉक में चार्ट है ना, बहुत अभी डैमेज हो गया। डैमेज यानी कि कैंडलें बड़ी बड़ी हो गई है तो उसमें अपने को पैटर्न मिल नहीं रही है क्योंकि हाई वॉलेटाइल मार्केट हो गया, तो चार्ट सारे बिगड़ गए। तो भी मैं मेहनत करके आपके लिए 4-5 स्टॉक अच्छे लेके आया हूँ, जो अभी भी चार्ट अच्छा सेटअप है, उसमें बिगड़े भी नहीं है और स्टॉक ऊपर जाने के लिए एकदम रेडी है अभी भी ऐसे माहौल में भी। तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक ढूंढ के लाता हूँ, उसके लिए बहुत मेहनत भी लगती है गाइज, आप बिलीव नहीं करोगे। सुबह से लेके अभी तक मैं आपके लिए ढूंढ रहा, तब जाके मेरे को मिले 4-5 स्टॉक अच्छे से आपके लिए लेके आया। तो प्लीज गाइज आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है। इसमें बहुत मेहनत लगती है और बहुत सारे स्टॉक तो ऐसे है कि जिसका चार्ट ऑलरेडी बिगड़ गया है, तो भी आपके लिए थोड़े मेहनत करके गाइज मैं स्टॉक अच्छे लेके आया। तो आपको खाली वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अगर आपको पसंद आता है। तो गाइज मैंने आपको 5 स्टॉक बता दिए जो अपने क्या है, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक है। स्विंग ट्रेडिंग यानी कि BLS पहला हो गया, दूसरा स्टॉक JKIL हो गया, तीसरा स्टॉक MOL हो गया, चौथा स्टॉक शांति गियर हो गया, पांचवा स्टॉक TNPL हो गया। उसमें मैंने आपको लॉजिक के साथ बताया कि स्टॉक यहाँ से बेस बना के ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा और कौन से लेवल पे जाएगा, आपको कंडीशनल बाइंग रहेगी। अभी पांचवा स्टॉक बताऊंगा जो अपना पोर्टफोलियो स्टॉक होगा। पोर्टफोलियो स्टॉक यानी कि अपने पोर्टफोलियो सीरीज अभी चलाते हैं, पोर्टफोलियो सीरीज यानी आप पिछले वीक का देखोगे तो पोर्टफोलियो स्टॉक में क्या है अपना, अभी एक्सेल शीट के ऊपर मैंने डेटा डाल दिया है तो फ्राइडे को बहुत मार्केट गिरा हुआ था। तो अपने अभी देख लेते हैं पोर्टफोलियो में अपना क्या हुआ है, एक्सेल शीट के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। तो एक्सेल शीट में अपने क्या देखेंगे गाइज कि अपने पोजीशन पहले 3 ओपन थी। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन गाइज आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, स्किप मत करना क्योंकि मैं आपको डीपली बताता हूँ तो वीडियो ऑलरेडी लंबा हो जाता है। लेकिन इसमें देखो पोर्टफोलियो स्टॉक में जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो उसमें मैं समझा देता हूँ, अपने 2000 का लॉस आए उतनी क्वांटिटी डिसाइड करेंगे और 10,000 का प्रॉफिट लेंगे, सिंपल है। तो
तो अभी अपना तीन पोजीशन पहले ओपन था, आप देखोगे फ्राइडे के वीडियो में, तो तीन पोजीशन में कौन से थे, पीटी इंजीनियरिंग था, एचएएल था और एनटीपीसी था। लेकिन पीटी इंजीनियरिंग का क्या हो गया, फ्राइडे को अपना स्टॉप लॉस हो गया था, 300 के नीचे स्टॉक ट्रेड करना चालू किया था, तो आप जाके देख सकते हो, तो उसमें अपना पोजीशन क्लोज हो गया, 311 पे अपने लिया था, 300 पे अपने स्टॉप लॉस हो गया, 181 क्वांटिटी ली थी, 1991 अपना लॉस आया और 125 अपना ब्रोकरेज लगा, यानी टोटल अपना 2116 का लॉस आया। पहले के स्टॉक में उफ्लेक्स में भी अपना स्टॉप लॉस हो गया था, उसमें 2115 का स्टॉप लॉस हो गया था, यानी ये दोनों का टोटल अभी अपने लॉस कितना चल रहा है, क्योंकि अपने दो स्टॉप लॉस हो गए, यानी 4231 का अभी अपना लॉस चल रहा है। तो ये दोनों पोजिशन अभी क्या है, क्लोज हो गई है। अभी अपने दो पोजिशन ओपन है पोर्टफोलियो स्टॉक में, एचएएल ओपन है और एनटीपीसी ओपन है। तो गाइज आप देखा होगा कि मार्केट इतना गिरने के बावजूद अपने दोनों स्टॉक अच्छे से परफॉर्मेंस दिया और स्टॉक नीचे भी नहीं गए। आप देखोगे तो ओपन प्राइस अभी मतलब ओपन ही है दोनों स्टॉक, इसका देखो सीएमपी है 1582 और इसका 159 सीएमपी है। तो दोनों स्टॉक बहुत अच्छे आउट परफॉर्म किया था, इतना मार्केट गिरने के बावजूद दोनों स्टॉक गिरे नहीं थे। फ्राइडे का आप देख सकते हो बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दिया था और दोनों पोजिशन अभी ओपन है और अपना सीएमपी है और टारगेट ये रहेगा और स्टॉप लॉस उसमें हुआ नहीं था क्योंकि दोनों स्टॉक नीचे गए ही नहीं है। तो ये दोनों कॉल अभी भी एक्टिव है। तो अभी कल जो मैं बताऊंगा अगर अपना एक्टिव हो जाएगा तो यहाँ पे मैं डेटा डाल दूंगा और जैसा भी हो आपको मैं बताता रहूंगा। तो ये अपना पोर्टफोलियो का एनालिसिस हो गया, अभी मैं आपको पोर्टफोलियो स्टॉक बता देता हूँ। अगर कॉल एक्टिव होगा तो कल 5 नंबर का ट्रेड यहाँ पे डाल दूंगा, अगर नहीं होगा क्योंकि कंडीशनल बाइंग है, अगर कॉल एक्टिव होगा तभी डालूंगा। तो पोर्टफोलियो का एनालिसिस हो गया, अभी अभी अपने पोर्टफोलियो स्टॉक कौन सा है वो देख लेते हैं। तो पोर्टफोलियो स्टॉक रहेगा जैश इंजीनियरिंग। जैश इंजीनियरिंग का आपको बाय करना है, बाय करने का रीजन देखो डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे अपने। तो स्टॉक क्या कर रहा है, स्टॉक ने देखो पुराना आप देखोगे तो लास्ट जुलाई में लास्ट ईयर स्टॉक ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, यानी कि कोई एरिया को रिस्पेक्ट कर रहा था स्टॉक, यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा था, स्टॉक वहां से नीचे आ रहा था और फाइनली उसने क्या किया यहाँ पे ब्रेकआउट देके ऊपर गया। ब्रेकआउट देने के बाद वो स्टॉक यहाँ पे कहाँ पे आया, रिटेस्ट करने उसका पहले जो एरिया हुआ करता था जून जुलाई में एरिया हुआ करता था एग्जैक्ट वही आया, यानी कि एक साल पहले उसका जो लेवल था वही पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो अपने मान सकते हैं कि इसने अच्छे से वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। अगर मैं वॉल्यूम ऐड करूँ तो आपको पता चलेगा, एक मिनट में आपको वॉल्यूम भी दिखा देता हूँ कि कितने वॉल्यूम थे। तो ये वॉल्यूम के साथ उसने ब्रेकआउट दिया है तो बहुत हाई चांस है कि अभी स्टॉक क्या कर सकता है, वहां से रिटेस्ट करके ऊपर जा सकता है और उसके लिए अपने को कंफर्मेशन भी मिल रहा है। दो तीन कंफर्मेशन आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। देखो स्टॉक क्या कर रहा है, यहाँ पे बहुत हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया, यानी कि उसका जो पहले ये एरिया हुआ करता था सप्लाई जोन, उसको हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे देखोगे तो ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद अभी कुछ भी वॉल्यूम नहीं है, यानी कि ये स्टॉक इतना गिरने के बावजूद भी उसमें वॉल्यूम नहीं आ रहे, समझे मेरी बात, यानी कि स्टॉक को यहाँ से रिवर्स मारने के बहुत हाई चांस है। तो ये अपना पहला रीजन हो गया कि स्टॉक ने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, उसके बाद स्टॉक यहाँ पे रिटेस्ट करने आया। तो यहाँ पे क्यों आया, उसके साथ साथ देखोगे तो ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और एग्जैक्ट अभी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास है। तो दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन देखोगे तो एडीएक्स की वैल्यू देखो 25 के ऊपर है और विलियम सर की वैल्यू देखो -80 आया हुआ है, यानी कि स्टॉक क्या कर सकता है, स्टॉक का ये लास्ट स्विंग हो सकता है और स्टॉक यहाँ से रिवर्स मार के ऊपर जा सकता है। तो आपको सीएमपी पे बाय करना है, सीएमपी पे तुरंत बाय नहीं करना, अगर उसका फ्राइडे का ये जो कैंडल का हाई है वो ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करना चालू करता है तभी अपने बाय करेंगे और उसको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिलता ही रहेगा, यानी कि स्टॉक को अगर गिरना है तो वो हाई ब्रेक करेगा ही नहीं और अपने फॉल्स ट्रेडिंग से बच जाएंगे। तो जैश इंजीनियरिंग स्टॉक का नाम है, सीएमपी 615.15 है, आपको बाय है वो 625 करना है, 625 यानी कि ये जो हाई है उसके ऊपर ट्रेड करता है तभी बाय करना है, अदरवाइज स्टॉक को बाय नहीं करना। तो पहला रीजन आपको मैंने बता दिया, दूसरा और तीसरा भी रीजन बता दिया और वैलिड रीजन बताया कि स्टॉक को आपको बाय करना क्यों है, क्योंकि स्टॉक यहाँ से गिरने के बहुत कम चांस है और यहाँ से रिवर्स मारने के बहुत हाई चांस है। तो आपको अभी सीएमपी पे तुरंत बाय नहीं करना, कंडीशनल बाइंग रहेगी अपनी, कंडीशनल बाइंग यानी देख सकते हो आप, सीएमपी अभी 615 625 के ऊपर जाएगा तभी बाय करेंगे, 595 का यानी कि उसका डिमांड जोन है का जो स्टॉप लॉस है उसके नीचे जाता है तो फिर स्टॉक नीचे भी गिर सकता है, तो आपको ये स्टॉप लॉस लगाना है
595 का, और टारगेट रहेगा 775 का। तो 775 अभी आप कैसे सोच सकते हो, तो आपको बोला ये कि अपना रिस्क रिवॉर्ड पोर्टफोलियो स्टॉक रहेगा, उसमें रिस्क रिवॉर्ड रहेगा 1:5 का रहेगा, यानी अपना 2,000 का लॉस आएगा तो 5,000 का प्रॉफिट आएगा। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, 625 के ऊपर आप बाय करोगे और 595 का स्टॉप लॉस लगाओगे तो कितना, दोनों के बीच में गैप कितना हो गया, 30 रुपीज का हो गया। 30 रुपीज का गैप है तो अपने को अर्न कितना करना पड़ेगा, कम से कम 150 रुपीज अर्न करना पड़ेगा, तभी अपना 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड आएगा। तो आप 625 प्लस 150 करोगे तो 775 का अपना टारगेट आएगा, और टाइम पीरियड रहेगा 1 से 3 महीना, पोजिशन बना के रख सकते हो, और बहुत अच्छा स्टॉक है गाइज। और अभी मार्केट भी बहुत अच्छे से गिरा हुआ है, तो यहाँ से मार्केट गिरने के बहुत कम चांस है, यहाँ से बाउंस बैक होने के बहुत ज्यादा चांस है, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। अगर 625 कल आ जाता है तो आपको बाय करना पड़े और 595 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये अपना पोर्टफोलियो स्टॉक हो गया जेस इंजीनियरिंग। अगर कल 625 के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है तो मैं एक्सेल शीट के ऊपर डेटा डाल दूंगा कि कल अपना पोर्टफोलियो स्टॉक में आ जाएगा ये वाला 5 नंबर के ट्रेड में, यहाँ पे डेट डाल दूंगा कल की जो भी होगी, 8 मई 2022 डाल दूंगा। स्टॉक का नाम जेस डाल दूंगा, बाइंग लेवल 625.1, क्योंकि बाय एबो करना है, यानी कि आपको 10 पैसा बफर लगा के बाय करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे अपने क्या आएगी, क्वांटिटी आएगी। तो क्वांटिटी कैसे डिसाइड होगी, तो पहली बार देख रहा हूँ उनको मैं बता देता हूँ। जैसे 30 रुपीज का गैप है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2,000 और स्टॉप लॉस की गैप कितनी है, 30 रुपीज की, तो आपको 2,000 डिवाइड बाय 30 करना है, तो समझो कि यहाँ पे 66 की क्वांटिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं 66 डाल दूंगा कल, अगर कॉल एक्टिव होगा तब की बात कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से अपने देखेंगे कि स्टॉक कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही था, वीडियो में मैंने आपको डिटेल समझा दिया, 5 स्विंग ट्रेडिंग बता दिया और एक जेस इंजीनियरिंग अपना पोर्टफोलियो स्टॉक बता दिया। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज, और प्लीज 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 गाइज सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो, बहुत कमेंट कम करते हो गाइज, इसलिए मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा, तो प्लीज गाइज कमेंट करके पूछ सकते हो अगर कुछ भी क्वेरी हो, या तो मोटिवेट भी कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।